एमपी में बीजेपी को घेरने का दिग्विजय का दाव क्यों पड़ा उल्टा? आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस को कौन सा बड़ा झटका लगा है? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, उसके बाद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी महागठबंधन छोड़ने के संकेत दे रहे हैं और अब व्यापम घोटाले को लेकर बीजेपी को घेरने का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दाव भी उल्टा पड़ गया। दरअसल मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाला मामले में भोपाल की जिला कोर्ट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के सदस्य संतोष शर्मा की ओर से ड्रायर केस पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने श्यामला हिल्स थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को 4 अक्टूबर को एफआईआर की कॉपी पेश करने के लिए कहा है। शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा था कि चारों लोग कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया और कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धारा 420, 466 व 468 के तहत केस दर्ज कराया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल जिला अदालत में एक केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि व्यापम घोटाले की जांच एजेंसियां मसलन सीबीआई, एसटीएफ और एसआईटी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बचा रही है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ऐसी बातों से हम डरेंगे झुकेंगे नहीं। अब कांग्रेस नेता इस पर भले ही कोई भी दलील दें, लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इंडिया न्यूज़ पैनल की रिपोर्ट।